नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौधरी और स्टडी गैराज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने हमारी मराजों में कौन कौन सी एसेसरीज डलाई है और उसकी क्या क्या प्राइस है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें कुछ एसेसरीज महिंद्रा के शोरूम से डलवाई है और कुछ एसेसरीज आफ्टर मार्केट से डलवाई है। तो मैं आपको दोनों की एसेसरीज बताऊंगा और उनकी प्राइस भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर शोरूम की बात करें तो शोरूम से हमने कुल मिला के 6 एसेसरीज डलवाई है। तो सबसे पहली जो एसेसरीज है वो है ये रेन वाइजर। ये दोस्तों बरसात में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और इसकी प्राइस मुझे पड़ी है 1556 रुपये। अगर हम सेकंड एसेसरीज की बात करें तो ये हमने साइड फुटस्टेप लगाया है जिसकी वजह से हम आसानी से चढ़ उतर सकते हैं। इसकी प्राइस हमें पड़ी है 12,098 रुपीज़। अब अगर गाड़ी के रियर साइड की बात करें तो हमने यहाँ पे दो चीज़ लगवाई है। एक तो ये रियर स्पॉइलर लगवाया है जो कि गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। दोस्तों, इसकी प्राइस हमें पड़ी है 4622 रुपीज़ की। और दूसरी अगर बात करें तो हमने ये रियर गार्ड लगवाया है, इसकी हमें प्राइस पड़ी है 5490 रुपए की। अब पांचवी एसेसरीज की अगर बात करें तो हमने ये पीवीसी मैट डलवाई है जो कि काफ़ी पतली है और इसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 1552 रुपए। इसके अलावा लास्ट एसेसरीज की बात करें तो हमने ये डुअल कार चार्जर डलवाया है जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 1134 रुपये। तो ये कुल मिला के 6 एसेसरीज थी जो हमने शोरूम से ली थी, जो हमें तकरीबन 25,000 रुपये में पड़ गई थी। अब हम बात करते हैं कि हमने इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट क्या क्या डलवाया है और उसकी क्या क्या प्राइस है। आफ्टर मार्केट एसेसरीज की शुरुआत हम करते हैं इस पहली एसेसरीज से। दोस्तों, ये 4D मैट है जो काफ़ी हैवी आती है और इससे क्या होता है कि कचरा जो होता है वो आजू बाजू नहीं गिरता, वो इसके अंदर स्टेबल रहता है और बाद में आप इसे लेके बाहर झटक के अपनी गाड़ी को आसानी से साफ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मैट है और जो हमें पड़ी है 1100 रुपये में। अब अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो हमने ये स्टेयरिंग कवर डलवाया है जो कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये हमको पड़ा है 650 रुपये का। उसके अलावा हमने ये आईपॉप का स्टेयरिंग नॉब डलवाया है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये हमें पड़ा है 500 रुपये का। इसके अलावा दोस्तों, हमने यहाँ एंट्रेंस पे स्कफ प्लेट लगवाई है जिसकी मदद से गाड़ी में चढ़ते उतरते टाइम स्क्रैच आने की संभावना कम रहती है। अब अगर बात करें तो हमने ये रियर मड गार्ड डलवाए हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कीचड़ उड़ता है वो पीछे नहीं आता है। तो इसकी प्राइस हमें पड़ी है 250 रुपये। अब अगर बात करें सीट कवर की तो हमने ये लेदर वाले सीट कवर डलवाए हैं जिसकी प्राइस हमें पड़ी है 5200 रुपये की। इसके अलावा हमने चारों दरवाजे पे ये डोर प्रोटेक्टर लगवा रखे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं और कभी दरवाज़ा अड़ता है तो दरवाज़ा जो होता है वो इस पे अड़ता है, आपके दरवाजे को नुकसान नहीं होता। तो इसकी कीमत भी हमें पड़ी है 250 रुपये। गाड़ी अंदर से गंदी ना हो उसके लिए हमने पूरी गाड़ी का जो फ्लोर है उसे लेमिनेशन करवा दिया है। इसकी प्राइस हमें पड़ी है 1700 रुपये। तो ये सारी थी आफ्टर मार्केट एसेसरीज जो हमने आफ्टर मार्केट डलवाई थी और ये सब की कॉस्ट हमें पड़ी है 10,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमें दो चीज़ उस दुकान वाले ने फ्री में दी है जो कि ये एक परफ्यूम है ये, और दूसरा ये जो कार का किचन है। तो ये थी एसेसरीज जो हमने शोरूम से डलवाई और कुछ हमने आफ्टर मार्केट डलवाई। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के थ्रू अपने सुझाव दीजिए। दोस्तों, आने वाले समय में हम ऐसे ढेरों वीडियोस बनाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।